अभी हम हैदराबाद जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं? पहले से नहीं नहीं भाई, जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सबका स्पीडी रिकवरी हो, जल्दी सुधार हो, उसमें कोई अलग नहीं। लेकिन नहीं, हमको तो शक था क्योंकि इस कैबिनेट के लगभग जो है सारे लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे, और सीएम आवास में भी बड़ी मात्रा में जो लोग स्टाफ्स वगैरह हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए थे, तो वो तो शंका थी। लेकिन कोई नहीं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो। तेजस्वी जी, एक सवाल है, वैशाली में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है जहां पे 200 रुपए देकर कोवैक्सीन दिया जा रहा है, एक राष्ट्रीय चैनल ने इसको चलाया है स्ट्रिंग ऑपरेशन। इस पे हम लोग गंभीरता से हम लोग दिखवाएंगे जी, सदर अगर ऐसी कोई बात है तो जान मान का नुकसान इससे होता है, ये चीजें जो है। हाँ मचाइए। तो आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, हैदराबाद निकले हैं और नीतीश कुमार के सलामती की दुआ की है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चिंता जाहिर की, कहा कि जब सचिवालय और मंत्रालय के लोग पॉजिटिव हो रहे थे तो मुझे डर था कि सीएम नीतीश कुमार भी पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि राजनीति अपने जगह पर है, एक दूसरे का खैर मकदम ये नेता अक्सर करते रहते हैं। तेजस्वी यादव भी जब शादी के बंधन में बंधे थे तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से उन्हें शुभकामनाएँ बधाइयाँ दी थीं। दूसरी ओर राजद तैयारी कर रहा है 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनावों की, महागठबंधन साथ लड़ेगा, 9 कैंडिडेट्स और सीटों के नाम जो है वो आ चुके हैं, आगे की तैयारियां अभी भी जारी हैं। देखना है कि राजद कांग्रेस इस बार कितनी सहमति बना पाती है, क्योंकि बीते दिनों जब उपचुनाव हुए तारापुर और कुशेश्वर स्थान में तो सहमति नहीं बन पाई, कांग्रेस राजद अलग लड़ी, और इस बार विधान परिषद में भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपना हिस्सा लेने जा रही है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे हैं, अपडेट खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।